अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल सही और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज बड़ा ही खूबसूरत सा मौसम हो रहा था तो मैंने कहा चलो फ़ौरन पकौड़े बनाए जाएं। और हमारी लाइट नहीं है एज़ यूजल, जैसे ही बारिश होती है फ़ौरन ही लाइट चली जाती है, तो बस यहाँ अंधेरे में हम बना रहे थे। तो मैंने यहाँ बेसन लिया, इसके अंदर मैंने डाला लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा, अब सोडा ऐड करना है, पानी डालना है और फिर वेस्ट लेके अच्छे से इसकी फटाई करनी है। और हमें एक थिक सा बैटर इसका तैयार करना है, इतना भी थिक नहीं तैयार करिएगा, थोड़ा रनी टाइप का हो लेकिन इतना भी रनी ना हो, बस थिक नॉर्मल वाला जिसे कहते हैं ना बैटर, वो तैयार करना है। साथ ही मैंने कटर जो होता है उससे आलू को इस तरीके से काट लिया था, एक जंबो साइज़ का आलू लिया वाला बैटर, प्याज वाले पकौड़े उसके लिए बनाया था। उसके अंदर मैंने आलू, प्याज, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च और साबुत धनिया डाल दिया था। और इतनी गर्मी हो रही थी और बारिश भी हो रही थी, साथ ही लाइट भी हमारी गई हुई थी, अंधेरे में मैं ये वीडियो जो थी वो बना रही थी, तो आई होप अच्छी बनी होगी वीडियो। तो बस यहाँ मैंने वन बाई वन डाल दिया था। अच्छा, हमारा जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई तो हानि की टीचर आई हुई थी पढ़ाने के लिए, हानि पढ़ रही थी, मेरी क्लाइंट आई हुई थी, वो गई हैं और एकदम से काली घटा आके बारिश होने लगी। तो हमारा जो है ना वो बैक साइड का व्यू आता है हमारा, क्योंकि हम फ्लैट में रहते हैं और मेरी जो नेबर है उनका फ्रंट साइड का व्यू होता है, तो फ्रंट साइड के व्यू की बारिश थी। क्योंकि होता है ना कि जैसे कहीं का ऐसे बताती हूँ कि हमारे जो बालकनी है ना उस रुख की बारिश नहीं हो रही थी और हमारी जो नेबर है ना उनके रुख की बारिश हो रही थी। उनकी तो ऐसी हो रही थी कि उनकी बालकनी से लेके उनका बेडरूम जो है ना हाफ रूम वहाँ तक बारिश आ रही थी, इतनी तेज़ इतनी हवा के साथ बारिश हो रही थी। तो हमने इतना इंजॉय किया वहाँ खड़ो के और हम इतना नहाए, इतना मज़ा आया, उनकी विंडो भी काफ़ी बड़ी खुलती है तो हम लोग वहाँ खड़ो गए थे और इतना इंजॉय किया ना, हानि भी आ गई थी, मैं भी और वो आंटी भी थी, तो हम लोग काफ़ी देर तक खड़े रहे जब तक बारिश होती रही। और उनके तो पानी जो है ना बालकोनी से कमरे के अंदर भी आ गया था, फिर उन्होंने जल्दी जल्दी है ना झाड़ू लेके उसको पानी को बाहर डालना शुरू कर दिया था, तो हम लोग भी खड़े हुए करवा रहे थे साथ। इतना मज़ा आ रहा था ना कि बस वो बारिश में बहुत हमने इंजॉय किया, फर्स्ट टाइम हमने इंजॉय किया होगा इस तरह बारिश में, वरना हमारे अपार्टमेंट के अंदर तो हमारी यानी हमारी तरफ हमारी जो साइड है ना उधर नहीं आती है। तो बस हम इतना इंजॉय किया आंटी के साथ, आंटी नहीं नहा रही थी, आंटी कह रही है मैंने नहीं नहाना, मैंने कहा नहीं आए साथ खड़े होते हैं, तो बस हानी मैं आंटी हम लोग खड़े रहे और खूब हमने इंजॉय किया जब तक बारिश ख़त्म नहीं हुई, हम जब तक वहाँ से हटे नहीं। और 15-20 मिनट की ऐसी बारिश हुई होगी और खूब इतनी तेज़ हो रही थी, इतनी तेज़ के बस कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था। आप ये देखें कि हमारे सामने वाली अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग तक हमें नज़र नहीं आती, इतनी धुआंधार बारिश हो रही थी। और व्यू मैंने इसलिए नहीं किया कि फ़ोन लेके जाती तो फ़ोन के अंदर पानी चला जाता, मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई। हाँ, लेकिन अपनी बालकनी से जब मैंने बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, हमारे रुख की नहीं हो रही थी, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो कैप्चर करी थी और मैंने शॉर्ट वीडियो है उसके अंदर डाली है वो ना। तो बस यहाँ पे ये यम्मी से पकौड़े हमारे जो थे वो तैयार हो रहे थे और यहाँ बस अंधेरा इतना था कि बस मैं जल्दी जल्दी बना रही थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो ये देखें ये हमारा फाइनल लुक था पकौड़ों को और यम्मी थे। और यहाँ पे जो हम चटनियाँ यूज़ कर रहे हैं, ग्रीन चटनी, कनौर वालों की, कनौर का ही केचप है ये, और ये इमली की सोट, यम्मी यम्मी, इसके साथ तो इतने मज़े के पकौड़े लगे, मैंने, आंटी ने, हानी ने, हम लोग ने सब ने बैठ के फिर खाए और खूब इंजॉय किया। और आप लोग ने क्या क्या किया ये बताइए, हमने तो ये सारा इंजॉय किया। तो बस वीडियो कैसी लगती कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और ग्रीन चटनी तो बहुत ही आला है, आप लोग ख़रीद के और खा के ज़रूर देखिएगा पकौड़ों के साथ, बहुत ही मज़ेदार ये पकौड़ों के साथ अच्छी लग रही थी, बहुत ही अच्छा। यहाँ फिर मैंने ये प्लेट उठाई और अपनी चटनियाँ उठाई और हम लोग चले गए आंटी के घर, फिर हम लोग ने वहाँ बैठ के खाया खूब गप शप की। और फिर मगरिब की अज़ान हो गई, नमाज़ पढ़ने के लिए हम लोग खड़े हो गए थे, नमाज़ पढ़ी। तो बस ये थी आज की हमारी वीडियो, और वीडियो कैसे लगे ज़रूर बताया करें कमेंट, फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करा करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।